हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सर्कल पर। दोस्तों, जैसा कि भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है, चलिए उस नोटिस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर पूरी जानकारी देते हैं अब आपको। ठीक है, नोटिस का जो भी उनका जारी करने का उद्देश्य था वो देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म कॉन्स्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती 1 अक्टूबर 2018। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की सूचना दिनांक 27 तारीख को ये नोटिस जारी है। ये हेडलाइन पढ़ लेते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 28 दिसंबर से 11 परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभ हो रही है। ठीक है, जिससे अंतर्गत दिनांक 28 दिसंबर को बुलाई जा रही महिला अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तदनुक्रम में द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 13 महिला अभ्यर्थियों, ठीक है, 13 महिला अभ्यर्थियों एवं 30,402 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, मतलब जिसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, यानी कि वो जो भी हमारी महिला छात्र थी उनकी लिस्ट जारी हो गई थी, ठीक है, तो उनको बुलाया जा रहा है, जिनकी सूची परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध करा दी गई थी। ठीक है, तो ये जो हमारी 13 महिला छात्र हैं और 30,402 पुरुष छात्र हैं, जिसके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है, वो अपना उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरे एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं, क्या हो गया, ऐसी वगैरह वगैरह, DVPST हो चुका है। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, वो बिल्कुल भी परेशान मत हों, वो अपना कल सुबह उठ के 4-5 बजे 3 बजे करीब एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। सबसे पहले वो लिस्ट में अपना नाम चेक करें, यदि इस लिस्ट में उसका नाम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे चेक कर सकते हैं, आप अपना कि आपको मैसेज किया होगा भर्ती बोर्ड ने, यदि मैसेज नहीं आया है तो आप एक बार लॉग इन करके चेक करते रहिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो चलिए देख लेते हैं यह महिला अभ्यर्थियों की कैंडिडेट की लिस्ट। ये देखिए 13 महिला अभ्यर्थियों की लिस्ट है। ठीक है, इसमें लिस्ट में सबसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर से आप रोल नंबर भी सर्च करा के देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करा के देख सकते हैं, आप अपना नाम भी सर्च करा के देख सकते हैं। ठीक है, नाम, रोल नंबर, फादर्स, डेट ऑफ बर्थ, PT डेट, और लोकेशन किस जगह पे है, और PT शिफ्ट यानी कि आपकी रनिंग किस शिफ्ट में कराई जानी है। ठीक है, सेम इसी तरीके के लड़कों की लिस्ट देख लेते हैं। ये देखिए लड़कों की लिस्ट, या यहाँ पर पूरी लिस्ट आ चुकी है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पेज थे, 898 पेज की लिस्ट है और एक पेज में लगभग 31 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो आप जान सके 30,000 कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट है ये। ठीक है, तो आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जिस भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुए हैं तो वो बिल्कुल ही परेशान मत हो, उनके एडमिट कार्ड कल शाम तक या कैसे भी करके वो कल तक एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे, जिसके भी DVPST हो चुके हैं। ठीक है, और 27 का हमारा DVPST 5 तारीख को है, यह मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।